नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं। नमस्कार, मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ हमारे नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया में। और मैं आपके सामने फिर से लेकर के आ गई हूँ भोजपुरी की एक ऐसी प्रोग्राम भोजपुरी वायरल सच में, जो कि एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ हम आपको भोजपुरी इंडस्ट्री की उन खबरों के बारे में बताते हैं जो खबरें वायरल होती हैं और उस खबरों के पीछे की सच्चाई क्या है और उस खबर में किस तरीके से आपके सुपरस्टार्स और आपके जो सुपरस्टार्स की फिल्में होती हैं उनसे जुड़ी जानकारियों के बारे में बताया जाता है और उसके पीछे की सच्चाई हम आप सभी को बताते हैं। और आज के लिए मैं इस प्रोग्राम का हमारा बताने का सबसे खास मकसद यही है कि जिस तरीके से आपके सुपरस्टार हैं तो आपका ये पूरा राइट बनता है कि आप अपने सुपरस्टार से जुड़ी हुई उनकी फिल्मों से जुड़ी हुई सही जानकारी आप तक पहुंचे और सही इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिले। और इसीलिए हम वायरल सच में जो भोजपुरी इंडस्ट्री में तमाम ऐसी खबरें होती हैं जिसमें वो खबर आए दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं या कुछ खबरों को बहुत गलत तरीके से पेश किया जाता है या तोड़ मोड़ के पेश किया जाता है है, उन खबरों के बारे में हम आपको बताते हैं। तो हमारे आज हम आपको 5 ऐसी खबर बताएंगे जिसमें सबसे पहले है पवन सिंह को खेसारी लाल ने कहा है कि वो सुपरस्टार नहीं है। इसके पीछे की क्या सच्चाई है हम आपको आगे रिपोर्ट में बताएंगे। साथ ही साथ जो दूसरी खबर है वो है सलमान खान की बराबरी कर रहे हैं हमारे पुलिस ऑफिसर बने खेसारी लाल यादव। आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव इन दिनों अपनी फिल्म दबंग सरकार को बिजी लेकर के बिजी हैं और उसी के बीच उनका एक लुक आया था पुलिस ऑफिसर को लेकर के, लेकिन इस खबर के पीछे की सच्चाई हम आपको बताएंगे पूरी तरीके से अपनी रिपोर्ट में। साथ ही साथ हमारी जो तीसरी खबर है वो है खेसारी के लुक पर बॉलीवुड हिला। आपको बता दें इसमें भी खेसारी लाल की फिल्म दबंग सरकार को लेकर के बताया गया है कि खेसारी लाल के लुक पर पवन सिंह माफी चाहेंगे खेसारी लाल के लुक पर बॉलीवुड इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने, कुछ सितारों ने कमेंट किया है, लेकिन इस खबर के पीछे की सच्चाई आप देखिएगा रिपोर्ट में। आपको जाते जाते चौथी जो हमारी खबर है कि अक्षरा जो बॉलीवुड जो भोजपुरी इंडस्ट्री की मृगनयनी कही जाती हैं वो अब बॉलीवुड में एंट्री कर रही हैं। आपको बता दें फिलहाल अक्षरा अपनी भोजपुरी फिल्मों को लेकर के काफ़ी बिजी हैं, यानी कि ये खबर सरासर साफ होता है कि इन दिनों वो अपनी भोजपुरी फिल्म को लेकर के बिजी हैं तो बॉलीवुड में जाने का उनका कोई भी मतलब ही नहीं बनता। साथ ही जाते जाते पांचवी हमारी जो आखिरी वायरल खबर में बताएंगे सच्चाई वो है खेसारी लाल यादव अब अपनी फिल्म को लेकर के फिल्म के सेट पर असली शेर से लड़ते हुए नजर आएंगे। भाई ये खबर के पीछे की क्या सच्चाई है और किस तरीके से इस खबर को बनाया गया है ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की टॉप ऐसी वायरल खबरों के बारे में जो कि इन दिनों भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखिए ये वीडियो। जहां एक तरफ कुछ समय पहले खबर ये आई थी कि पवन सिंह सुपरस्टार नहीं है ये कहा है खेसारी लाल यादव ने अपने इंटरव्यू के दौरान, लेकिन हम आपको बता दें इसके पीछे की सच्चाई कि खेसारी लाल ने पवन सिंह को लेकर के ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया है जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि पवन सिंह सुपरस्टार नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री में हर कोई अपने आप को स्टार मानता है और हर किसी को यही मन में होता है कि वो अपने आप को सुपरस्टार बनाए, काफ़ी अच्छा बनाए और सबसे बेहतरीन एक्टर बनाए। और इसी को साथ लेकर खेसारी लाल का भी यही कहना है कि वो चाहते हैं कि वो भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार बने, लेकिन इसके मतलब ये नहीं है कि वो पवन सिंह को सुपरस्टार नहीं मानते हैं। तो यानी ये खबर सरासर गलत है। एक तरफ कुछ समय पहले खबर आई थी कि सलमान खान की बराबरी कर रहे हैं हमारे पुलिस ऑफिसर नए लुक में खेसारी लाल यादव। मैं आपको बता दें ये खबर जब आई थी जब खेसारी लाल अपनी नई फिल्म की शूटिंग कर रहे थे दबंग सरकार की, जिस समय सबसे पहले खेसारी लाल का पुलिस ऑफिसर में नया लुक अपने दर्शकों के सामने लेकर के आए थे और इसी लुक को लेकर के पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में खलबली मच गई थी। और इसी के दौरान खबर ये आई कि सलमान खान जो कि ऑलरेडी बॉलीवुड में कई फिल्मों में पुलिस ऑफिसर का किरदार निभा चुके हैं अब उन्हीं को बराबरी से टक्कर देंगे हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के
सलमान खान खेसारी लाल यादव। और ये खबर बिल्कुल सही है कि जहां बॉलीवुड के दबंग कहे जाते हैं सलमान खान, तो भोजपुरी इंडस्ट्री में भी हमारे खेसारी लाल यादव सलमान खान से कम नहीं है और वो अपनी फिल्म दबंग सरकार में अपने एक्शन लुक से ये बात सबको साबित भी कर दिखाएंगे। खेसारी के लुक पर हिला बॉलीवुड। आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव का जो नया लुक आया था दबंग सरकार का, उससे भोजपुरी इंडस्ट्री में तो खलबली मची ही थी, लेकिन उनके किसी भी लुक पर बॉलीवुड की तरफ से अभी कोई रिएक्शन नहीं आया है। और जिस तरीके से इस खबर को पेश किया गया कि खेसारी लाल के नए लुक पर बॉलीवुड हिला है, तो ये खबर कहीं ना कहीं जोड़ मोड़ कर बनाई गई है और इसे पेश करने का तरीका बहुत ही अलग है। हालांकि आपको बता दें कि इन दिनों भोजपुरी इंडस्ट्री में हमारे देसी हीरो खेसारी लाल यादव का दबंग सरकार की फिल्म का नया नया लुक सभी के सामने आ रहा है, जिसे देखकर बॉलीवुड का तो पता नहीं लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में खलबली जरूर मची हुई है। और हर कोई ये चाहता है कि जिस तरीके से खेसारी लाल हर बार कुछ अपनी फिल्म में नया लेकर आते हैं, तो ठीक उसी तरीके से अपनी फिल्म दबंग सरकार में अपने एक्शन से दर्शकों का दिल जीतेंगे, ऐसा मानना है खेसारी लाल के फैंस और उनके दर्शकों का। अक्षरा ने रखा बॉलीवुड में कदम। आपको बता दें हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री की मृगनयनी अक्षरा सिंह बॉलीवुड में कदम अभी तक तो फिलहाल नहीं रखी है। हाँ, हाल ही में उन्होंने टेलीविजन पर्दे पर अपनी नई शुरुआत की थी, वो भी टेलीविजन के सबसे बड़े सीरियल पोरस में। जी हाँ, कुछ समय पहले अक्षरा को लेकर खबर आई थी कि वो सीरियल पोरस में एक रानी का किरदार निभा रहे हैं और इस किरदार की काफी ज्यादा चर्चा भी हुई थी भोजपुरी इंडस्ट्री में, और उसी को लेकर के कहा गया कि अक्षरा अब बॉलीवुड में एंट्री कर रही हैं। लेकिन आपको बता दें कि अक्षरा ना ही बॉलीवुड में एंट्री कर रही हैं और ना ही उनकी तरफ से कोई ऐसी खबर सामने आई है किसी भी इंटरव्यू के दौरान। लेकिन हो सकता है कि भविष्य में अक्षरा बॉलीवुड में काम करे या फिर बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए कोई गाना गाए, जैसे कि उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में कई ऐसे हिंदी गाने गाए हैं जो कि सुपर डुपर हिट साबित हुए हैं। लेकिन फिलहाल ये खबर अभी सरासर गलत है। खेसारी लाल यादव अब अपनी फिल्म में शेर से लड़ेंगे। आपको बता दें ये खबर आई थी कुछ समय पहले, लेकिन इसके साथ साथ ये खबर भी सही है कि खेसारी लाल फिलहाल अपनी किसी भी फिल्म में ऐसा कोई भी एक्शन सीन नहीं करने वाले हैं जिसमें वो शेर से लड़ते हुए दिखाई दे। हाँ, हो सकता है कि खेसारी लाल के किसी आने वाली फिल्म में उनकी ये शूटिंग चल रही हो, लेकिन अभी जैसे कि जो साल 2018 में अब तक खेसारी लाल की जितनी भी फिल्म की चर्चा हुई है, उन फिल्मों में से किसी में खेसारी लाल इस तरह का एक्शन सीन करते हुए दिखाई नहीं देंगे। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि ये खबर कहीं ना कहीं तोड़ मोड़ कर और अलग तरीके से पेश की गई है और ये खबर गलत है। जी हाँ, इसी के साथ आपको बता दें कि इन दिनों फिलहाल खेसारी लाल अपनी भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी फिल्म दबंग सरकार की शूटिंग कर रहे हैं, जिसमें एक वो पुलिस ऑफिसर का किरदार निभा रहे हैं। और इसी के साथ साथ इनकी ये जो खबर है कि खेसारी लाल यादव अब अपनी फिल्म में शेर से लड़ेंगे, वो सरासर गलत है। तो देखा आपने कि किस तरीके से आपके सुपरस्टार और उनकी फिल्मों को लेकर के अदल बदल करके खबरें बनाई जाती हैं ताकि आपको उनके व्यूवर्स आ सके, लेकिन उस खबर के पीछे की सच्चाई जो है वो आप तक हम पहुंचाते हैं सही तरीके से, उस खबर के पीछे की पूरी सच्चाई से हम आप सभी को रूबरू करवाते हैं। ये तो थी आज की खबरें। आप इसमें देख लीजिए कि इनमें से बहुत सी ऐसी खबर थी जो कि बहुत तोड़ मोड़ के परोसा गया था, बहुत ही तोड़ मोड़ के दर्शकों को भ्रमित करने के लिए ये चीज़ें लिखी जाती हैं, दिखाई जाती हैं। साथ ही साथ इसमें हमने कुछ ऐसी भी खबर आपको बताया जो कि खबर सही थी लेकिन उसे पेश करने का तरीका अलग था, उसे पेश करने का जो उनकी तरफ से जो कोशिश थी वो अलग था। लेकिन हमने आपको सारी खबरें, उनके पीछे की सच्चाई आप सभी को तक पहुंचा दी है। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। साथ ही साथ आपको इस प्रोग्राम से जुड़ी कोई जानकारी देनी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं, और ये लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको ये प्रोग्राम हमारा कैसा लगा। और भोजपुरी की तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें नेक्स्ट नाइन न्यूज़ भोजपुरिया। और हाँ, साथ ही साथ आप जरूर ये लिखकर कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगर जो आपके कोई सुपरस्टार की खबर वायरल हो रही है उसके पीछे की सच्चाई हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे।
फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।